बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से 18,087 मकानात को नुकसान पहुंचा। 670 किलोमीटर पर मुश्तमिल 6 शाहराहें भी मुतासर हुईं। कोयटा के इलाके सुरखिली में सैलाब मुतासरीन 2 हफ्तों बाद भी इमदाद से महरूम। मुतासरीन ने खुद ही तबाहशुदा घरों की तामीर शुरू कर दी। लोअर दीर में कातिलाना हमले में शदीद जख्मी होने वाले MPA मलिक लियाकत अली खान और उनके सेक्रेटरी शुएब को इलाज के लिए पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। MPA के मकतूल भाई और भतीजे की नमाज जनाजा आज दिन 11 बजे आबाई गांव मैदान में अदा की जाएगी। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आने के बाद FIA का एक्शन। असद कैसर को 11 अगस्त को तलब कर लिया गया। साबिक स्पीकर के अकाउंट में 86 लाख रुपए मुंतकिल हुए। 7,80,000 रुपए निकलवाए गए। सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद भी 11 अगस्त को तलब। बैंक अकाउंट्स की तफसीलात लाने की हिदायत। FIA कराची ने इमरान इस्माइल को 15 और रुकन सिंध असम्बली डॉक्टर सीमा जिया को 12 अगस्त को बुला लिया। PTI 13 अगस्त की रात परेड ग्राउंड में जलसा करेगी। फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान जलसे में अगले सियासी लाहे अमल का ऐलान करेंगे। कारकुनान 14 अगस्त का जश्न भी परेड ग्राउंड में ही मनाएंगे। इमरान खान ने पहले तमाम हलकों से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, फिर यू टर्न ले लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल मौतल करने की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। अजीम रूहानी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गनशकर का 780वां उर्स। IG पंजाब फैसल चहकार 19 गाड़ियों के प्रोटोकॉल के साथ मज़ार पर पहुंचे। बहिश्ती दरवाजे से गुजरने के बाद मज़ार पर हाजिरी दी।